राज्य का काम काज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की बात सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते ही यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। नंदन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतारने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजा जाना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार को इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार का इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु जी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम में पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कहीं। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी की ऐसी बात सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और शिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब एक महीने बाद नंदन को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिससे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने
नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुँचे जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब वह गुरुजी से नीम के पत्ते तोड़कर लाने कहा और वो चला गया। नंदन भी गया, फूल लेके आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चककर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और कतर जतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुम्हें उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा को जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वह यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आ जाता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख से नंदन का जीवन ही बदल दिया और वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्याय प्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर अवगुणी होंगे तो लोग हमेशा गालियाँ देंगे।